जय हिंद दोस्तों माय नेम इज़ कृतिका साहू एंड बिफोर वी प्रोसीड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप या आपके फैमिली में कोई भी लास्ट थ्री मंथ्स में कोविड से रिकवर हुए हैं एंड इफ़ यू गाइस आर एलिजिबल टू डोनेट योर प्लाज्मा देन प्लीज़ प्लीज़ डू सो बी अ कोविड सेवियर एंड सेव एज मेनी लाइव एज यू कैन नाउ रिगार्डिंग दिस वीडियो ये वीडियो यूजफुल रहेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अक्रॉस इंडिया स्टेट पी की प्रेपरेशन कर रहे हैं एज यू नो हम जैन से मार्च 2021 का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और ये वीडियो स्टेट वाइज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का सेकेंड पार्ट है सो लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले हम कवर करेंगे द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एम में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा जो कि ओमकारेश्वर डैम नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जाएगा ये सिक्स हंड्रेड मेगावाट की कैपेसिटी रहेगी इसकी और इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट जनरेटिंग पावर बाय ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दो एक्सपर्ट्स ने मिलके इंडिया वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल को डिस्कवर किया है भी, भीम भीम केव्स में इस फॉसिल का नाम है डिकनसानियन एंड ये 570 मिलियन इयर्स ओल्ड है रिगार्डिंग का रॉक शेल्टर ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में लोकेटेड है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया के लिस्ट में इंक्लूडेड है का रॉक शेल्टर दस किलोमीटर के दायरे में फैला गया फैला हुआ है इट इंक्लूड्स सेवन हिल्स एंड अप्रोक्सीमेटली सेवन रॉक शेल्टर्स नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है महाराजा छत्रसल कन्वेंशन सेंटर जिसको इनाग्रेट किया गया है खजुराहो मध्य प्रदेश में ये स्वदेश दर्शन स्कीम का पार्ट है स्वदेश दर्शन स्कीम वॉज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म खजुराव भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नाउ क्योंकि खजुराव एंड भीम का रॉक शेल्टर ये दोनों न्यूज़ में रहे हैं सो so, इससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है उसे अच्छे से um, रिवाइज़ करिएगा एंड टेम्पल आर्किटेक्चर पार्ट ऑफ खजुराह um, टेम्पल भी एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है एमपी इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपने फार्मर्स को पावर सब्सिडी दी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश का हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज़ ग्वालियर एंड ओछा ये दोनों सिटीज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ के लिस्ट में इंक्लूडेड हैं एंड ये दोनों सिटीज़ अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के पार्ट होंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है एम ने होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया है नर्मदापुरम में तीन बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म साइट्स हैं इंक्लूडिंग बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पचमेड़ी हिल स्टेशन एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग मांडू फेस्टिवल मांडू फेस्टिवल एक हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल है जो कि हैंडमेड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को डिस्प्ले करता है मांडू फेस्टिवल मनाया जाता है धार धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम लास्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग मध्य प्रदेश एम का डायनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसल्स म्यूजियम देश का ऐसा पहला मॉडर्न फॉसिल पार्क है जहाँ पे ट्वेंटी एट एग्स एंड अदर फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स को डिस्प्ले किया जाता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ उड़ीसा उड़ीसा में इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर ओपन किया गया है जो कि भुवनेश्वर में है स्किल सेंटर में अप्रॉक्सीमेटली तीन हजार बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी अक्रॉस एट ट्रेड सेक्टर्स सेंटर को ऑपरेशनलाइज करने में मदद करेगा सिंगापुर सिंगापुर गोइंग टू सपोर्ट उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है उड़ीसा में इंडिया का सबसे पहला फायर पार्क बनाया जाएगा विच विल डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड रेस्क्यू एंड डिजास्टर ऑपरेशन इन दोनों को डेमोन्स्ट्रेट करेगा ये फायर पार्क उड़ीसा ने ऑन अपने फायर सर्विस के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्निशमाज सेवा लास्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग उड़ीसा उड़ीसा में सेवेंटींथ इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया ये कन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था इसमें नाइन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग इंडिया बांग्लादेश दुबई ईरान थाईलैंड अफगानिस्तान मलेशिया लेबनन एंड टूनिशिया नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग स्टेट ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड में इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ओपन किया जाएगा जो कि इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि कोई भी बीमार व्यक्ति को अगर हम नेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए तो वो व्यक्ति जल्दी रिकवर करता है दिस वॉज़ इंस्पायर्ड फ्राम जैपनीज टेक्निक ऑफ फॉरेस्ट बेदिंग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उत्तराखंड के नैनीताल में शिवालिक रेंज के लिए सबसे पहला आर्बोटम को ओपन किया गया है ये आरबोटम आर बेसिकली एक बॉटनिकल गार्डन होता है जो कि ट्रीज़ के कंजर्वेशन में मदद करता है इस आर्बोटम में अराउंड अबाउट टू तो हंड्रेड एंड टेन स्पीसीज ऑफ़ ट्रीज़ जो कि शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय में पाई जाती है उनको कंजर्व किया जाएगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग नेशनल चाइल्ड नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो कि ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जैन को मनाया जाता है इस ओकेजन पे हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी नाम याद रखिएगा सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन की चीफ मिनिस्टर रही ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जैन को एक दिन की चीफ मिनिस्टर रही सृष्टि गोस्वामी लास्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उत्तराखंड उत्तराखंड में इंडिया का सबसे पहला पॉलिनेटर पार्क बनाया जाएगा जो कि हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में बनाया जाएगा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में माँ स्कीम स्टार्ट किया गया है जिसमें पांच रुपए में फुल एक फुल थाली खाना प्रोवाइड किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट जो भी ये इस, इस पर्टिकुलर स्कीम को प्रोवाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट उसको फिफ्टीन रुपीज पर प्लेट सब्सिडी देगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वेस्ट बंगाल में इलेवेंथ राष्ट्रीय संस्कृत महाोत्सव का इनोग्रेशन uh, हुआ जो कि कूच बिहार में हुआ लास्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में देश का सबसे पहला एक्वा रिजर्वनेशन प्लांट ओपन किया गया दिस इज फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल जहाँ पे वेस्ट वाटर को ट्रीट करके अम्म किया जाएगा और ये पानी हम यूज कर सकेंगे इरिगेशन एंड फार्मिंग के पर्पस के लिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हैदराबाद हैदराबाद में इंडिया का सबसे पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क बनाया जाएगा ये डेस्क सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू फाइल केसेस अगेंस्ट दगेंस्ट देशन अगेंस्ट uh, दस या फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी का स्टेटस दिया गया है बाई यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो कि श्रीनगर में है ये गार्डन अब एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप टू, गार्डन हो चुका है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज बनाया जाएगा जो कि चेनाब रिवर के ऊपर बनाया जाएगा ये जो रेल ब्रिज है ये पार्ट है 111 किलोमीटर्स लॉन्ग उद्धम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है ये और ये पर्टिकुलर रेल ब्रिज कनेक्ट करेगा कश्मीर वैली को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया थ्रू रेलवे लाइंस, सो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा क्योंकि ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज है नेक्स्ट जो बाकी बचे स्टेट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है नौ पहला है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इंडिया का पहला ऐसा गवर्नमेंट है जिन्होंने स्टेट रन एम्बुलेंस फॉर एनिमल रन किया नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बिहार बिहार कंट्री का पहला ऐसा स्टेट स्टेट बना जिसने एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन के लिए पॉलिसी बनाया जिसका नाम है एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 ये बेसिकली अलाउ करेगा इन्वेस्टर्स को वो डायरेक्टली एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग मेज मुलासिस ब्रोकन राइस एंड रॉटन ग्रेन्स को यूज़ करके वो इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके प्लांट प्लांट्स एंड मशीनरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट फिफ्टीन परसेंट ऑफ दॉ प्लांट एंड मशीनरी की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और या तो मैक्सिमम ऑफ फाइव करोड़ रुपीस कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा ये डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि हु इज द लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसिंग स्टेट आंसर है उत्तर प्रदेश एंड अगर बिहार की बात करें तो बिहार स्टूड फिफ्थ इन प्रोड्यूसिंग द एथेनॉल नेक्स्ट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ चंडीगढ़ चंडीगढ़ पहला ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने एयर टैक्सी रन की ये एयर टैक्सी उड़ान स्कीम का पार्ट है जो कि रन की गई चंडीगढ़ से हिसर तक एंड ये ऑपरेट की जाएगी एयर टैक्सी इंडिया इंडिया के द्वारा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग चेन्नई चेन्नई इंडिया का चेन्नई में इंडिया का सबसे पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ओपन किया जाएगा रिगार्डिंग वेटलैंड एक फैक्ट है कि नमामि गंगे नमामी गंगे पहला ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे वेटलैंड कंजर्वेशन को इंटीग्रेट किया गया है बेसिन मैनेजमेंट प्लान के साथ में बेसिन मैनेजमेंट प्लान के साथ में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ़ हरियाणा स्टेट ऑफ हरियाणा ने उन सारे प्राइवेट सेक्टर जॉब को जिसकी ग्रॉस सैलरी अप टू पचास हज़ार पर मंथ है ऐसे प्राइवेट जॉब में लोकल्स को सेवेंटी फाइव परसेंट रिजर्वेशन देने का डिसीजन लिया है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश कंट्री का पहला ई e, पहला ई कैबिनेट लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम मणिपुर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है मणिपुर की सेनापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर का जो माओ एरिया है इस माओ एरिया में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल बन, मनाया गया इस साल वर्चुअली यह फेस्टिवल 2017 से हर साल मनाया जा रहा है और जो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है जो कि हम शिलोंग में सेलिब्रेट करते हैं इस साल कोविड के चलते वो इंटरनेशनल फेस्टिवल को कैंसिल किया गया नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय मेघालय में इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्च रोड आर्च ब्रिज बनाया गया जो कि वाहरू ब्रिज एट सो uh, सोहबार ईस्ट खासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये कनेक्ट करेगा भोलागंज एंड सोबहार को नोंगजरी इन ईस्ट खासी हिल से जो कि बॉर्डरिंग बॉर्डरिंग प्लेस है बांग्लादेश की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है नागालैंड से रिलेटेड नागालैंड में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उस प्रोजेक्ट का नाम है एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट ये कि ये बेसिकली क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का प्रोजेक्ट है एंड ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जाएगा क्योंकि ये वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक फंडेड है इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखिएगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है पंजाब गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट uh, किया है हर घर पानी हर घर सफाई ये इसका जो एम है वो है हंड्रेड परसेंट पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई करना है ऑल द रूरल हाउस होल्ड को बाय 2022 ये मिशन भी वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है अलोंग विद जल जीवन मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नबार्ड स्टेट बजट से भी इसको राशि मिली है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग तमिलनाडु तमिलनाडु के सालेम डिस्ट्रिक्ट में एडवांस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लाइफ स्टॉक एंड एनिमल साइंस ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ये एशिया का लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक रिसर्च सेंटर बन चुका है जो कि सालेम तमिलनाडु में है रिगार्डिंग तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसके नाम आपको पता होने चाहिए विच इंक्लूड्स नीलगिरी माउंटेन रेलवेज बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर गंगाईकोंडा चोलापुरम जयकोंडम एरावतेश्वर टेम्पल दरासुरम में है जो और शोर टेम्पल शोर टेम्पल और उनके जो कलेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो सारे जो कि ममलापुरम में है ये शोर टेम्पल ऑफ ममलापुरम लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में रहा था So, इससे क्वेश्चन आने बन क्वेश्चन आना बनता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना तेलंगाना में इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी हंड्रेड मेगावाट होगी जो कि रामगन डैम गोदावरी रिवर के ऊपर बनाया जाएगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट जनरेटिंग पावर बाय 2021। अगर आपको याद रहेगा ऊपर हमने पढ़ा था एम एम में वर्ल्ड का फ्लोटिंग सोलर पावर पावर प्लांट बनाया जाएगा जो कि कंप्लीट होगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में ना जब तक ये एमपी पी वाला पावर प्लांट रन करना स्टार्ट नहीं होता तब तक तेलंगाना का जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट रहेगा वो लार्जेस्ट रहेगा इंडिया में एंड वंस एमपी वाला जो सोलर प्लांट है इट इट्स स्टार्ट्स गेटिंग ऑपरेशनलाइज उसके बाद दैट विल बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट वन एज वेल एज़ फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट नेक्स्ट एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की है दैट इज़ रिलेटेड टू उदयपुर साइंस सेंटर जिसको इनाग्रेट किया गया है त्रिपुरा में इस इन्फॉर्मेशन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जो नाम है उदयपुर उससे कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो राजस्थान में होगा बट जो ये उदयपुर साइंस सेंटर है वो राजस्थान में नहीं है त्रिपुरा में ओपन किया गया है विद दिस इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर का फैक्चुअल पार्ट फिनिश हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे जो जैन से मार्च 2021 के बीच हुए हैं वी थैंक यू ऑल फॉर पेशेंस लर्निंग इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू सपोर्टर्स बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आर चैनल वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स घर पर रहिए सेफ रहिए जय हिंद